चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। कल ड्यू टू टेक्निकल एरर अपना वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट आज जो हो जाएगा छोटा सा यूनिट वन अपना डन हो जाएगा। रिटर्न टू स्केल हम गए थे और वहां पे हमने रिवीजन भी ये की थी। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अभी कुछ कहीं पे देखना नहीं, सिर्फ मेरी आवाज ध्यान। रिटर्न टू स्केल ये है, हमने दो लॉ पढ़े, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो किसका था शॉर्ट रन, और ये रिटर्न टू स्केल हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन में, जिसमें सारे वेरिएबल क्या रहे, सारे जो फैक्टर्स वो क्या होते हैं वेरिएबल, चेंज होते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट रहता नहीं है। रिटर्न टू स्केल में सिंपल उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, जितने प्रपोर्शन से तुम्हारा इनपुट बढ़ रहा है, 10%, 20%, 30%, और सेम प्रपोर्शन से अगर आउटपुट बढ़ा तो उसे कहेंगे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितने परसेंटेज से इनपुट बढ़ा और सेम प्रपोर्शनेट में अगर आउटपुट बढ़ा, दिस इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर तुमने इनपुट दिया है 20%, आउटपुट बढ़ा 40%, जितने परसेंट से इनपुट बढ़ा रहे हो आउटपुट उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट में चेंज हो रहा है, तो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा, अगर तुम्हारा इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट कम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये तीन रिटर्न टू स्केल है यहाँ पे। और वही पॉइंट अंदर जब तुम पढ़ोगे कॉन्स्टेंट रिटर्न में उन्होंने सेम चीज बताया है, ठीक है। इसको सिर्फ एक नाम है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल को क्या कहते हैं, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और लॉन्ग रन में हर एक चीज बदलेगी, इतना याद रखना करके। इंक्रीजिंग रिटर्न में उन्होंने अगेन वही एग्जांपल दिया कि तुम अगर 10% कुछ प्रोडक्शन में डाल रहे हो तो 30% इन्हांसमेंट आ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग रिटर्न में हमने ये देखा था कि जब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल के बाहर एक्सपांड हो जाता है, जहां पे तुमको क्या करने में प्रॉब्लम होता है बेटा, डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जहां पे तुम अब कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपे से बाहर चला गया, तो अब तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न की जगह क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाता है। तो इधर ये एक रीजन याद रखना कि टू मच एक्सपांशन विदाउट एनी प्लानिंग, ये तुम्हारे एक्सपांड मतलब तुम्हारे प्रोडक्शन को बढ़ाएगा नहीं, कम कर देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि फार्मर में जगह लिमिटेड है लेकिन वर्कर बहुत ज्यादा भर दिए वहां पे, है ना, और उस वर्कर को कोई टाइम पास कर रहा है लेकिन सैलरी तो जाती है, फिक्स कॉस्ट आपका जाता है, तो खर्चा जा रहा है लेकिन वर्कर काम ही नहीं कर रहा है, उतना काम करने को है ही नहीं। कुछ कुछ कंपनी ऐसी देखी जाती है बेटा कि वर्कर की भर्तियां कर लेते और काम ही नहीं है, तो दो लोगों का काम है 10 लोग आ गए, तो बस टाइम पास है लेकिन मंथ एंड हुआ तो सैलरी 10 के 10 लोगों को देने पड़ रही है। तो दिस इज द पॉइंट, और ये यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। तो ये सब पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे और एक बंदे का नाम हमने देखा था, कोप डोगलास, और मैंने आपको बताया था कि ये नाम दूसरी बार आया है। पहली बार आया था तो फॉर्मूला आपने नॉर्मल देखा था, जहां पे रेस टू वन माइनस वन ऐसे कुछ तो था, ठीक है, ए माइनस वन समथिंग। और अगर ये लॉन्ग रन में आया, लॉन्ग रन में उस सबको कुछ तो अजम्पशन यहाँ पे लिखा था उन्होंने, रिटर्न टू स्केल एक्सपेंड कॉन्स्टेंट, देखो ये दो कोप डोगलास अज्यूम दैट रिटर्न टू स्केल आर क्या, कॉन्स्टेंट। तो ये अगर आया कि कोप डोगलास ने क्या अज्यूम किया रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो आपको याद रखना उसका अजम्पशन ये क्या है, कॉन्स्टेंट। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू के एल रेस टू ए सी रेस टू बी, एंड दैट्स ऑल, क्यू इज इक्वल टू आउटपुट, एल इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी इज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, के एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो वहां पे ही पॉजिटिव है लेकिन फॉर्मूला ये है, कहां पे अगर हम किसकी बात करें, लॉन्ग रन की, रिटर्न टू स्केल में। तो कॉप डोगलास जब रिटर्न टू स्केल में आएगा तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा बेटा, वन माइनस ए, ए माइनस वन जो भी है वो यहाँ पे है नहीं करके, ठीक है। फिर ये खत्म होने के बाद ये छोटा सा चीज उसी का उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि अगर इज इक्वल टू वन है तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन तो कॉन्स्टेंट रिटर्न है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, और ए प्लस बी लेस देन वन तो डिक्रीजिंग रिटर्न। अब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन आए जो लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे यूनिट खत्म हो रहा है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना ताकि चीजें आपकी खत्म हो जाए। नॉर्मली अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट वुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गिवन आउटपुट। ओके, कॉमर्स में और एक चीज है एमबीए, और आपने बहुत बार देखा रहेगा कि सीए अगर नहीं हो पाया तो बहुत बार एमबीए की तरफ शिफ्ट होते हैं, या फिर एमबीए तो यूजुअली हो जाता है, कोई भी कोर्स में हो जाता है एमबीए। मतलब अगर आपने बहुत आईआईटी आईएम नहीं किया तो नॉर्मली तो आप नासिक में हो तो आराम से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो, एमबीए पास होना फिक्स है। बट एमबीए बंदा जॉब को जा रहा है, फॉर्म भरा, लेकिन आजकल देखा रहेगा इंजीनियर्स भी एमबीए करते है ना, उस इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं जैसे कोई मतलब लिंक नहीं एमबीए का, फिर एमबीए भी करते हैं और वो भी जॉब, तो दो लोग आए इंटरव्यू के लिए, एक सिर्फ एमबीए, एक इंजीनियर प्लस एमबीए। जैसे अभी आप लोग देखोगे तो शुभम सर का एग्जांपल है, इंजीनियर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर ये जॉब करने जा रहे हैं
तो एक सिर्फ सीए है, एक सीए प्लस इंजीनियर है, तो अगर मुझे एक बंदे में दोनों चीजें मिल रही है जो दोनों चीजों को मैनेज कर सकता है, समझ सकता है, और मुझे पैकेज एक ही देना है, तो मैं तो उन्हीं को प्रेफरेंस दूंगा ना। जैसे नॉर्मल एग्जांपल है, तो आप क्या देखोगे, हर बंदा क्या देखता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है, इनपुट को ढूंढता है कि जो कम से कम इसमें मैक्सिमम आउटपुट दे, और आप भी शायद वही करोगे। दो लोगों को पगार देने से बेटर एक को दे रहे हो और दोनों लोगों का स्किल मिल रहा है तो अच्छी बात है। और यही तो कहा, नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट वुड मिनिमाइज द क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि हम यही देखेंगे कि हमारा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। दो इम्प्लॉय की जगह अगर एक इम्प्लॉय है और वो मुझे दोनों तरीके से गाइड कर रहा है तो मेरा एक ही सैलरी गया और उतना कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमाइज। और अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी नोन बाय कंबाइनिंग द फर्म्स प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, नेमली आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो नए नाम आए जो एक्स्ट्रा बीकॉम में भी आते हैं आपको, और तब वो नहीं समझ में आते। एक नया नाम है बेटा, पहला तो ये एमसीक्यूज है कि कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, फर्म का प्रोडक्शन एंड क्या कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहा है, आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन रिस्पेक्टिवली। अब क्या है हम देखेंगे। अब हम पहले क्या पढ़ रहे बेटा, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। क्या इंडिफरेंस पता है तुमको, याद आ रहा है, वापस रिवीजन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व में कौन से दो, मतलब दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन सेम है ना। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बाहर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो सेटिस्फेक्शन चेंज होने के लिए इंडिफरेंस कर्व चेंज होना चाहिए। एक इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट के क्या रहते हैं, सेटिस्फेक्शन सेम। ये वाला पॉइंट देखा था, तो उन्होंने कहा जो आइसो पॉइंट है ये सिमिलर टू क्या है, इंडिफरेंस कर्व इन द थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एन आइसो पॉइंट रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। हमें सब चीजें तुमको बताऊंगा, सिर्फ बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। इसलिए ये लेक्चर में कल हमने नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि ये चीज बहुत, और होता भी तो भी वही पॉइंट कर देगा, इसके लिए अपने को फ्रेश सेशन ही चाहिए, तो ये आइसो पॉइंट और ये आइसो कॉस्ट समझेगा। उन्होंने कहा कि आप इनपुट कोई भी लेना, आइसो पॉइंट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, इनपुट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, पहले तो याद रखना इनपुट कुछ भी बदले, जैसे इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन बदला सेटिस्फेक्शन चेंज होता क्या, नहीं। वैसे यहाँ पे इनपुट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कुछ भी रखो इसको कॉम्बिनेशन, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, सेम एक लेवल पे। देखते क्या है, पूरा समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर वापस मैं तुमको समरी करके दूंगा। सिंस एन आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच यील्ड, कैसा बेटा, इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट एट विच कॉम्बिनेशन ही चूजेस। मतलब सर आगे आएगा आपको, कॉम्बिनेशन ए में फैक्टर देखो, एक्स को 1 यूनिट लिया है, फैक्टर वाई के कितने यूनिट लिया है, 12। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, ये भी समझ जाएगा एमआरटी। बट पॉइंट इज व्हाट, मैं चार लेबर यूज कर रहा हूं, दो कैपिटल यूज कर रहा हूं, और मैं 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं। फिर मैंने एक लेबर यूज किया और 3 मशीनरी यूज किया, फिर भी मैं 100 प्रोडक्ट ही बना रहा हूं, तो प्रोड्यूसर को तो किससे मतलब है, प्रोडक्शन से, तो वो इनडिफरेंट है। ध्यान से समझना, क्या कहा उन्होंने, द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा ये भी चलेगा, क्योंकि उसको किससे लेना देना है, प्रोडक्शन से। व्हाई इनडिफरेंट, विच कॉम्बिनेशन ही चूज, क्योंकि हर हर कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन क्या मिल रहा है, सेम। ठीक है, आगे, देयरफॉर आइसोक्वांट आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ये एक बार एक सवाल आता है कि आइसोक्वांट का एक नाम क्या बेटा, इक्वल प्रोडक्शन कर्व। कितने भी कॉम्बिनेशन आए तो प्रोडक्शन का क्वांटिटी है, जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन योर इनपुट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कौन से कर्व पे, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट का दूसरा नाम क्या है बोलो तो, इक्वल प्रोडक्शन कर्व। बोलो, इक्वल प्रोडक्शन कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व, द कंसेप्ट ऑफ आइसोक्वांट कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है सर, अब शेड्यूल पढ़ेंगे, अब इसके अलग अलग नाम पढ़ लिए हमने, प्रोडक्शन इंडिफरेंस को भी कहा जाएगा, आइसो प्रोडक्ट को भी कहा जाएगा। तो चार नाम हमने देखे, पहला क्या आइसोक्वांट, दूसरा क्या इक्वल प्रोडक्ट कर्व, तीसरा क्या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, और चौथा क्या बेटा आइसो प्रोडक्ट कर्व। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, टेबल में आपको ये टेबल और इसका ग्राफ है, इसको हमने क्या नाम दिया है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, नहीं तो क्या
आइसोकॉन्टो इनडिफरेंस कर्व जैसा ही है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, पे अटेंशन वाली। ओके, एक तरफ वो फैक्टर कॉम्बिनेशन, आपके पास चार से पांच कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, पहले पॉइंट पे आप लोग फैक्टर एक्स वन यूनिट और फैक्टर टू कितना बना रहे थे बेटा 12 यूनिट, ऐसे ऐसे आपका कॉम्बिनेशन था। और सपोज यहाँ पे आपको 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा था, फिर आपने क्या किया, आपने आपको फैक्टर एक्स बढ़ाना था तो आपने बढ़ाया, लेकिन एट द सेम टाइम फैक्टर वाई को क्या करना पड़ा, कम, तो कितने से कम किया, 12 से 8 आना, चार। तो ये चार क्या है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने एमआरएस देखा था वहां पे, ठीक है ना, एमआरएस अगर इंडिफरेंस को याद आ रहा होगा तो। एनीवेज आगे देखते जाओ तुमको समझेगा, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी आउटपुट इतना ही रहेगा। फिर आपने क्या किया, एक्स अगेन एक्स से बढ़ाया तो आपको वाई कितने से छोड़ना पड़ा, 3, और ये देखो ये 3 जो है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन सी, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम। फिर अगेन आपने एक्स को और एक यूनिट बढ़ाया तो यहाँ पे आपको वाई कितना छोड़ना पड़ा, 2, सेम ये यहाँ पे आया तो 1, तो एमआरएस देखो कम कम ही हो रहा है, मतलब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका, इसको रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पे प्लॉट की मैंने, ये आइसोकॉन कर्व है, कौन सा कर्व है बेटा, आइसोकॉन, और इस पे ए बी सी डी ई सारे पॉइंट पे क्या मेरा प्रोडक्शन सेम है या डिफरेंट है, प्रोडक्शन सेम है कि डिफरेंट है, सेम, इसलिए इसे इंडिफरेंस कर्व की तरह कहा जाता है, दैट्स इज आइसोकॉन कर्व। आइसोकॉन कर्व में किसकी बात की उन्होंने, इनपुट की और प्रोडक्शन की, कि कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेना तुम्हारा प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम। जैसे इंडिफरेंस कर्व में क्या बात की थी उन्होंने, दो पॉइंट की और सेटिस्फेक्शन की, कि कोई भी पॉइंट ले लेना सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम, वो इंडिफरेंस कर्व की बात थी जो यूटिलिटी का अल्टरनेटिव था। एनीवेज आइसोकॉन थोड़े बहुत लेवल पे तो भी दिमाग में जा रहा है, अब यहाँ पे हम लोग इसको इसका थियरी पढ़ेंगे और इसे अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। थियरी बोर लग सकते बेटा, लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे तुम इन्वेंटरी चैप्टर पे आ रहे हो तो अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस 2-3% से तो ही बढ़ रहा होगा, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। और मैंने कहा है कि इन्वेंटरी में मैं याद आया इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर आएगा तो लीफो फीफो नसीब अच्छा है तो आएगा, वेटेड एवरेज थोड़ा और अच्छा है तो आएगा, ठीक है, नहीं तो सम नंबर 7 थे आई थिंक, तो 7, 8, 9 6, 7, 8, 9, 10 जैसे जो आज हमने सम किया 10 बार, इसी प्रकार के सम आएंगे। और एक बार जिसने मेहनत की ना, सम में कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट बदलेंगे, उससे भी अच्छा नसीब है तो एज इट इज आएगा, हाँ, लेकिन उससे आएगा जिसने प्रैक्टिस की, बस प्रैक्टिस की बात है, इसे को इनडायरेक्टली लर्निंग की, क्योंकि सर पेपर में डायरेक्ट जाके बैठोगे ना और बोलेंगे वहां पे सॉल्व कर लेंगे, होगा नहीं, कि कुछ समय से ये हो गया कंसाइनमेंट चैप्टर हो गया, हाँ तुम ये रिस्क यहाँ पे ले सकते, कहाँ पे, फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप में, एनपीओ में, कि कंसेप्ट करके जाएंगे सर पोस्टिंग आता है, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जहां पे तुमको एज इट इज पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज आइसोकॉन डन हुआ, यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ो, आप इंटरप्रिट करने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी चीज समझ, लेकिन आपको ब्रेन यूज करना है मालिक, और ऐसे पढ़ो कि 1 घंटा तुम्हारे दिन में काउंट होना चाहिए कि पढ़ा, सेल्फ स्टडी जैसा, तो एनवायरमेंट को अफेक्ट होने मत दो, पूरा 100% फोकस रखो हर एक लाइन। क्या आइसोकॉन की प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व जैसी होती है कि नहीं, ये सुनो, हाँ सिमिलर सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है वैसे आइसोकॉन, मतलब सब वो बातें जो आपने अब तक की है वैलिड है, समझिए। दूसरा ये एक एमसीक्यूज आएगा, ये वाला एमसीक्यूज है कि आइसोकॉन कर्व का कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव स्लोप, उसका क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पे अटेंशन। दो सवाल, सबसे पहले आइसोकॉन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है, एम आर टी एस आएगा, रीजन क्या है, मतलब आपका आइसोकॉन का नेगेटिव होने का रीजन क्या है, ऐसे एमसीक्यूज होगा, तो रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारा जो ये जो पॉइंट है बेटा, ये देखो ये जो पॉइंट है ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये लास्ट का देखो, ये वाला टेबल, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डाउन, कम हो रहा है, इसलिए बोले इसकी वजह से इसको कौन सा स्लोप मिला है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो पॉइंट तुमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिए, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ो, हाउएवर देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू, वेयर इज इन इंडिफरेंस कर्व इट इज नॉट पॉसिबल
क्वांटिफाई द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्वायर्ड बाय कंज्यूमर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर इज इजीली क्वांटिफाइड. क्वांटिफाइड मतलब गिनना. हमारे यूटिलिटी को हम नंबर में नहीं गिन सकते, ये फैक्ट है. इसलिए हमने क्या बनाया, इनडिफरेंस कर्व. लेकिन यूटिलिटी को तुम तब भी नंबर में गिन सकते थे क्या? नहीं. इसलिए उन्होंने कहा कि इनडिफरेंस कर्व में हम चीजों को क्या नहीं कर सकते थे, क्वांटिफाई, क्वांटिटी में इजिली गिन नहीं सकते थे. लेकिन प्रोडक्शन तो गिन सकते हैं ना, 100 यूनिट हुए, 150 यूनिट हुए, 200 यूनिट हुए. इधर क्या सर, कौन से इसमें क्या पढ़ रहे अपन, आइसोकॉन्ट में. आइसोकॉन्ट में क्या फर्क है कि यहां पे हम प्रोडक्शन को क्वांटिफाइड कर सकते हैं, मतलब नंबर में गिन सकते हैं, बस यही फर्क है, बाकी सब सिमिलर है. दस व्हाइल आइसोकॉन्ट IQ1 रिप्रेजेंट 100 यूनिट, IQ2 IQ3 आइसोकॉन्ट. देखो ये आईसी मतलब क्या था, इनडिफरेंस कर्व. IQ मतलब क्या है, आइसोक्वांट वाला कर्व रिप्रेजेंटिंग हाइयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ड्रॉन, व्हाइल कर्व ऑन द राइट रिप्रेजेंटेड हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी लेफ्ट रिप्रेजेंटेड लोअर लेवल ऑफ आउटपुट. मेरे को बताओ मालिक, ये है तुम्हारा आइसोक्वांट IQ1, ये है तुम्हारा IQ2, ये है तुम्हारा IQ3. तुमको पूछा जाएगा इनडिफरेंस कर्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व शायद तुमको आ रहा है, चैप्टर 2 का पार्ट था है ना, तो अच्छे से करते हैं. चैप्टर 3 तक बच्चे पहुंचते नहीं, उनको इंडिफरेंस को कहीं से तो भी समझता है. चैप्टर 2 में 3 में आए, बोले कि बताओ ऑन विच आइसोकॉन्ट कर्व प्रोड्यूसर गेट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, IQ1 IQ2 IQ3. आंसर इज IQ3. जो जितना बाहर रहेगा, जितना तुम्हारा राइट हैंड साइड रहेगा, यहां पे देखो आया राइट, जितना राइट साइड को रहेगा, जितना राइट साइड को रहेगा उतना तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, हाई. और जितना लेफ्ट को रहेगा उतना तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, लो. अभी टेक्निकल चीज तुमने अभी समझना चाहिए. पेपर में राइट और लेफ्ट बोला, बोला लेफ्ट साइड को बताओ हाई की लो, लो. राइट बोला तो हाई, क्योंकि तुमने राइट बोला तो समझने का बाहर निकल रहे. समझा क्या बेटा, सिमिलर है. यस पॉइंट समझे. चलो तीन सवाल. आइसोक्वांट आया तो डरने का नहीं, वो कैसा है, इनडिफरेंस का जैसा ही है, सारे प्रॉपर्टी वैसे ही है. पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप. क्यू MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड. फिर इसके बाद बताओ कि आइसोक्वांट में क्या एक आइसोक्वांट पे जितने भी कॉम्बिनेशन है, सेम प्रोडक्शन के अलग अलग प्रोडक्शन, सेम प्रोडक्शन एक आइसोक्वांट पे. मुझे ये बताओ क्या आइसोक्वांट और इंडिफरेंस को में एक जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी क्वांटिटी, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबो, ऑप्शन डी पता नहीं, क्वांटिटेटिव ना, कि इसको हम इनडिफरेंस को क्वांटिटी में नहीं गिन सकते, प्रोडक्शन को हम क्वांटिटी में गिन सकते है करके. यहां तक क्लियर है? तो इस पैराग्राफ इस पैरा के सारे इंस्टीट्यूट डन हो गए. अब सेकेंड पैरा पे आओ. अब इसको क्या बोले बेटा, आईसो कॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन. बजट लाइन पढ़ा था समथिंग, वैसे ही कुछ तो रहे. आईसो कॉस्ट लाइन ऑल्सो नॉन एज क्या बेटा, बजट लाइन. द बजट कंस्ट्रेंट लाइन शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर which the firm can buy a given outlet. सीन ये है सर कि मुझे 10 लोग काम पे लगाने, तो बोले प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन मेरा कंस्टेंट है 10 लोग काम पे लगे तो महीने के एंड में 10 लोगों को पगार देना. तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं, वर्किंग कैपिटल, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते, तुम पेमेंट देते ना वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रहता. मेरे को पता है एक साला कि महीने के एंड में मेरे पास 10 लाख है ही नहीं, 1 लाख सैलरी देना, तो मैं उतने वर्कर लगा पाऊंगा क्या? नहीं. वो अब जितना कॉम्बिनेशन ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी किसका कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन रहेगा, बजट का. तो इसलिए ये यहाँ पे आपको जैसे इंडिफरेंस का वो पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था मैं आपको बताऊ था क्या, ये आइसो कॉस्ट बजट लाइन जैसा ही आप समझ पाओ, तो आपको पहले जो पढ़ा था वो बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप चीजों को समझो. आपने पहले क्या पढ़ा था ध्यान से सुनो, और ये शायद आपको याद हो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आइसो कॉस्ट उसी इसमें आप खत्म कर दो. तुमने पढ़ा था कि तुम्हारे बेटा आवाज मतलब मेरे को ब्लास्ट बैंड से कंटिन्यूस आवाज आ रही है, तो तुम लोग ध्यान दो. ये मेरा बजट लाइन है, मतलब ये लिमिट है, ठीक है. ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व बोल रहा हूँ, आइसो कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व. ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 है, करीब करीब इसको टच पकड़ो ये, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 3 है, ये इंटरसेक्ट नहीं होता, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 है,
ये इंडिफरेंस को 3 है। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से इंडिफरेंस स्कोर पे मिलेगा? 3 पे। लेकिन प्रैक्टिकली मैं कौन से इंडिफरेंस स्कोर पे रहूंगा? 2। व्हाई? क्योंकि मेरा बजट लाइन बजट, अरे मेरे को, मेरे पास नैनो है, ये नैनो का बजट है, लेकिन मेरे को ऑडी इधर दिख रही है, मेरे को तो ऑडी में सेटिस्फेक्शन मिल रहा लेकिन पैसा ही नहीं उतना, तो फिर मेरे को टू व्हीलर से तो बेटर है ना कार ले लो। पॉइंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो इस बजट के हिसाब से, मैक्सिमम तुम आईसी 2 पे रहो। तो वैसे ही जैसे ये बजट लाइन था, बजट लाइन याद है क्या तुमको ये कंसेप्ट से, कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते थे भले ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा था, वैसे ही आईसो कॉस्ट लाइन बनेगा। अब आईसो कॉस्ट लाइन क्या है? कुछ नया वर्ड शब्द सिर्फ नया बेटा, यहाँ पे उन्होंने बोला आईसो कॉस्ट लाइन। अब ये क्या रहेगा? सेम वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कर्व बनेंगे वो क्या है? आइसोकॉन के कर्व। किसके कर्व है बेटा? आइसोकॉन। ये भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा देगा? 1, 2, 3 के 4। लेकिन आपका एक बजट लाइन आया और बजट लाइन बोल रहा है कि आप लोग इधर ही, ये आपका मैक्सिमम है, इतना ही पैसा तुम दे सकते हो, तो भले तुमको ये अच्छा प्रोडक्शन देगा लेकिन तुम जा ही नहीं सकोगे, तुम यहीं पे रहोगे। पॉइंट समझ रहा है? मतलब सर अगर तुम बताओ कि ये एक क्लासरूम है, आपका क्लासरूम का कैपेसिटी 40 बच्चे है, और तुम बोल रहे हो सर एक काम करो 1000 बच्चों का बड़ा वाला क्लास लो और फिर 10-10 रुपया फीस रखो, बहुत बच्चे आएंगे करके। तो अब सीन क्या है कि यहाँ पे एक सीन हो जाएगा बजट का कि तुम इतना बड़ा प्रीमाइसिस नहीं ले सकते। सेम मशीनरी, किसी कंपनी में एक मशीन होती है, उनको पता है 2 मशीन लिया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन मशीन आती 20 लाख का, बोले यार अभी मशीन नहीं ले सकते, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कॉस्ट का लिमिटेशन, ये आइसो कॉस्ट में आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? भावना समझो तुमको, पूरा बजट लाइन जैसा ही कंसेप्ट है, तो ये आइसो कॉस्ट पे, इधर आइसो कॉन्ट जा ही नहीं सकते, आपको नॉर्मल इस पे रहना पड़ेगा करके। ठीक है, अपना क्या था, ऊपर गया रहे आइसो कॉस्ट, आप एक बार रीड कीजिए दोस्तों। ये रहा तुम्हारा बजट, वो बजट लाइन जैसा ही सीन है, और तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे डन हो जाएगा। ये देखो ये वाला पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे आपके पास अलग अलग चीज है। कंपनी कहाँ पे प्रोडक्शन करेगी? सी पे, अगर उसका ये वाला बजट है तो। और अगर उसको अगर ज्यादा बढ़ाना है प्रोडक्शन, तो उसे क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपना बजट, मतलब अपना कॉस्ट का पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन पे जा सकती है। तो पूरा वही है, यूनिट डन हो जाएगा। लेकिन अब इसको लास्ट में, दोपहर को सेशन है, तो प्लीज बोर मत होना, आप आराम से सब चीजें पढ़ो, ये पूरा पॉइंट पढ़ लो, समझेगा। टेक योर टाइम और अभी खत्म करो, सेल्फ स्टडी के मोड में खत्म करो, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं घर पे जाकर। आईसो कॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन एज क्या बेटा? बजट लाइन। और जैसे ही बजट लाइन आई तो खत्म हो जाता है, बजट करते हैं। तुमको बजट लाइन आई हो पूरा याद है, नहीं है तो अभी वो कर लो, तो बजट लाइन रिवाइज हो जाए। ये तुम ना ऐसे करो, चलो ध्यान दो, जिनको बहुत नींद आ रही है, नहीं हो रहा है, पे अटेंशन। फर्म के पास कितना पैसा बेटा? 1000 रुपए। उसके पास 2 कॉम्बिनेशन है, 2 आउटपुट, एक्स और वाई। एक्स का पर यूनिट प्राइस कितना है? 10। और वाई का कितना है? 20। अगर आपको पूरा 1000 रुपया एक्स पे खर्चा करना है, तो आप कितने लेबर या कितने पॉइंट अपॉइंट कर सकते हो? 100। मतलब ये 100 लेबर आप अपॉइंट कर सकते हो, अज्यूम करो इसको लेबर बोलेंगे अपन, तो पूरा का पूरा 100 एक्स हो जाएगा, लेकिन वाई क्या आएगा फिर? 0। क्योंकि 100 × 10 आपका 1000 रुपया क्या हो गया? खर्चा। वाई के लिए कुछ बचा नहीं, तो ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, अगर आप वाई पे पूरा का पूरा खर्चा करना चाहते हो, तो कितने यूनिट आएंगे इसके? 50 × 20 = 1000। तो 50 × 50 आएगा, लेकिन एक्स कितना आएगा? 0। कॉम्बिनेशन समझ रहे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, आप एक तो पूरा एक्स लो, नहीं तो पूरा वाई लो। अच्छा हमें कॉम्बिनेशन चाहिए सर, हम एक काम करेंगे, हम 50 यूनिट लेंगे एक्स के, तो ये कितने हो जाएंगे? 500। और 25 लेंगे y के। अब ये कॉम्बिनेशन में 1000 रुपए आ रहा है क्या? यस। तो 25 × 20 ये 500 500, तो ये एक तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन हम कोई भी कॉम्बिनेशन करें, ये वही है पूरा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन वही है, उन्होंने वही कहा है। उन्होंने देखो, ध्यान से देखो, सपोज 1000 रुपए एक्स और वाई, इफ द प्राइस ऑफ एक्स 10 एंड वाई का 20, द फर्म कैन स्पेंड आउटले, आउटले मतलब खर्चा, आउटले मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस एक ऑन एक्स और वाई इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से कर सकते, ये भी एक तरीका था।
इट कैन स्पेंड इंटायर पूरा अमाउंट ऑन एक्स टू बाय कितना यूनिट बेटा 100 यूनिट, पूरा एक्स ले लेगी 100 और जीरो यूनिट किसके रहेंगे वाई के, ये वाले पॉइंट में। और क्या करेगी, इट कैन स्पेंड इंटायर ऑन वाई बाय 50 यूनिट विद द जीरो यूनिट ऑफ क्या बेटा एक्स, वो पूरा ये करेगी 50 यूनिट वाई के ले लेगी लेकिन जीरो एक्स के लिए कुछ रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या क्या था? जब तुमको ये ऐसा नहीं समझता तो ऐसे कर लो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर बार थोड़ी ना ये रहेगा, पढ़ते वक्त लगता है। अब आप पढ़ाई के फेज में ना सबसे बोरिंग चीज पढ़ाई है, एक बार 4 साल जाने दो, जब काम आ जाएगा ना तो लगेगा तब पढ़ाई अच्छी थी साल। और मैं बोल रहा हूँ अभी कितना ही बोर हो अपने आप से झापड़ मारो उठाओ और पढ़ाई करो, अगेन बोल रहा हूँ कि तुमको 4 साल बाद जब तुम काम करोगे, मतलब लड़की अगर सेटल नहीं हुई फिर ऐसे परिवार में शादी हो जाएगी जिसमें 10 लोग रहते हैं, बोले कि दिन में उठे खाना बनाओ कपड़े धो बर्तन मांजो, बोले शायद आज चार्टर्ड अकाउंटेंट होते। बॉयज ऐसे कंपनी में लग गया, बॉस बोल रहा मार्केटिंग का टारगेट दिया गालिया, और लिटरली मैंने सुना है मेरे कुछ दोस्त बजाज फाइनेंस में ऐसे ऐसे कंपनी में लगे, उनकी मीटिंग होती है हर शाम को, वो इतनी गालियां चलती मतलब प्यार से बात नहीं, अरे गालियां देके बात करते कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो तुमको लगेगा यार 4 साल पीछे जाते पढ़ लेते वो आईसो अकाउंट क्या था अरे तो बोर लग रहा था, लेकिन भाई ये एक एक चीज का फायदा है, प्लीज मोटिवेट रहो पढ़ते रहो बेटा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तुमको इस जंजाल से बाहर निकाल सकती है और लाइफ में सुकून दे सकते। बहुत अमीर नहीं हो गए अंबानी जैसे लेकिन इज्जत से जियोगे बेटा, प्लीज पढ़ो नींद को साइड में हटाओ क्योंकि तो ये चीजें आएगी, सिंपल है सिर्फ नहीं पढ़ना इसलिए रह जाएगा। बिटवीन इट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मतलब ये वाला एनी कॉम्बिनेशन, तो 50 से ले लिया 25 से लिया मैंने जो बनाया था क्योंकि मेरे बजट के अंदर ही रह रहा है। वॉट एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर फर्म चूज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म रिमेन्स क्या बेटा सेम, कितना रहेगा वो 1000 के अंदर, दिस इज आईसो कॉस्ट कर्व। इन अदर वर्ड ऑल पॉइंट ऑन द बजट लाइन वुड कॉस्ट फर्म द सेम अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट करेंगे 1000, समझा, बजट लाइन मतलब आईसो कॉस्ट लाइन, उस बजट पढ़ते हुए मैंने ये वर्ड बताया था, ये पढ़ते हुए अपन बजट लाइन पढ़ रहे, तो उन्होंने कहा कि जो भी रहेगा कॉस्ट आपका 1000 से ऊपर जाना चाहिए नहीं, और मैक्सिमम 1000 तो खर्चा करेगी, ठीक है। वी कैन शो आईसो कॉस्ट लाइन डायग्रामेटिकली ऑल्सो, द एक्स एक्सिस शो यूनिट ऑफ फैक्टर एक्स एंड वाई, एंड एक्स एक्सिस शो द यूनिट ऑफ फैक्टर एक्स एंड वाई एक्सिस शो यूनिट ऑफ फैक्टर वाई। When the entire 1000 rupees spent on factor X, we got OB. अब ये OB ये जो नाम है बेटा, ये अगर वगैन तुम कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं समझेगा, अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ये उन्होंने कहा कि अगर आप सारा का सारा जो 1000 रुपया है वो अगर एक ही पॉइंट पे खर्चा करते हो फैक्टर X पे, X कौन से एक्सिस पे दिया है X, और Y कौन से एक्सिस पे दिया है Y। सपोज ए बेटा यहाँ पे जान लो ये 1000 रुपये वाला लाइन ये वाला है, ठीक है 1000 रुपये वाला लाइन ही है, अगर आप पूरा का पूरा 1000 रुपया एक्स पे खर्चा करोगे तो क्या खरीद पाओगे सिर्फ एक्स, मतलब ओ बी ए पॉइंट होगा बराबर के नहीं, आप वाई खरीद नहीं पाओगे, आप पूरा का पूरा वाई खरीदोगे तो क्या मिलेगा ओ ए, यहाँ पे रहेगा पढ़ते वक्त बहुत बाउंसर जाएगा लेकिन है एकदम सिंपल, जो आपने पढ़ा उसी चीज को डायग्रामेटिकली बता रहे बाकी कुछ नहीं, तो ऐसे टेंशन मत लो नहीं समझ रहा तो कुछ नहीं आएगा, सब तुम्हारे दिमाग में जा रहा है सिर्फ ध्यान दो। क्या बोला बेटा उन्होंने, अगर आप पूरा का पूरा पैसा खर्चा करना चाहते हो, सपोज 1000 रुपए है, वाई पे दिया हुआ है 50 क्योंकि वाई कितने का था 20 रुपए का, एक्स पे ये है कितना 100 ना नहीं हाँ 100 × 100 हाँ 100 था 1000 ऐसे ही था, तो अगर आपने इंटायर अमाउंट किधर खर्चा किया एक्स पे तो आप कहाँ तक आ सकते, कितने यूनिट ले सकते 100 एक्स के, इंटायर अमाउंट वाई पे किया तो कितना यूनिट ले सकते हैं 50, तो ये आपका ये लाइन, इसको बोलते हैं ओ बी और ये क्या है ओ ए इंटायर, और इसके बीच में आप कुछ भी खर्चा करो वो इसी पॉइंट पे रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा था, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कहा था 50 यूनिट एक्स के और कितने 25 यूनिट वाई के, तो ये कॉम्बिनेशन किधर तो इधर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के खर्चा कितना रहेगा 1000, इसके बाहर में जा सकता नहीं, दिस इज माई बजट लाइन, इसको आईसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, याद रखना बार बार बता रहा हूँ भले आप, ठीक है तो यही चीज है, ठीक है ए एंड बी 1000 ही रहेगा, द ए बी इज कॉल्ड विच लाइन बेटा कौन सा लाइन बोलेंगे, बजट लाइन बोलेंगे, आईसो कॉस्ट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आईसो कॉस्ट लाइन, ठीक है ओके। तो ऐसे उन्होंने सी डी दिया है, ई एफ दिया है, तो डरो मत, आपका मेन लाइन क्या है ए बी, ये तो इसलिए दिया कि उन्होंने बाद में अपना अपना खर्चा अपना क्या बोलते हैं ना बजट बढ़ाया रहेगा और फिर आपका फिर वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सी पढ़ो यार, मैं पढ़ रहा हूं अगर मुझे लगता है कुछ बताना।
दस मिनट दस पंद्रह मिनट रहेगा, दस मिनट ये वाला यूनिट देखो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहां पे समझेगी। आपका ये आइसोकॉन्ट लाइन है बराबर, हर लेवल पे यहां पे प्रोडक्शन सेम मिलेगा मुझे। देखो आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे मुझे सेम प्रोडक्शन मिलेगा। लॉजिक समझाए, मतलब यहां पे भी मुझे देखो, यहां पे मैं बताता हूं और आप सिर्फ मेरे जो बोल रहा हूं क्वेश्चन सुन के आंसर देना, आप बराबर आंसर करोगे। ये जो है एल ए, ये बजट लाइन है, एम ए ये बजेट लाइन है, तो ये चार बजेट लाइन दी आपको, और आपका ये जो है ये आइसोकॉन्ट, क्या बेटा आइसोकॉन्ट, जिसमें कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है, कॉम्बिनेशन डी है, कॉम्बिनेशन ई है, पांच कॉम्बिनेशन। आइसोकॉन्ट में हमने क्या पढ़ा, हर कॉम्बिनेशन पे मेरा प्रोडक्शन क्या रहता है, सेम, और सेम से बोल रहा हूं हजार प्रोडक्शन होगा, हजार यूनिट जो उन्होंने यहां पे दिया हुआ है। मुझे बताओ यहां पे भी हजार यूनिट बन रहे, यहां पे भी हजार यूनिट बन रहे, सेम यहां पे भी हजार यूनिट बन रहे, तो आप लोग कौन से कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस करोगे, ए बी सी डी ई। इस कॉम्बिनेशन पे मैंने प्रोड्यूस किया तो मैं बजट लाइन में कहां पे जाता हूं, सपोज ये मुझे यहां पे लग रहा है पचास रुपया, यहां पे लग रहा है सौ रुपया, यहां पे डेढ़ सौ, यहां पे दो सौ, ऐसे लिख लेते तो समझेगा। हजार यूनिट बना रहा हूं लेकिन ए पे हजार यूनिट कितने में बन रहे हैं, 200 में, इस लाइन है ना, ये लाइन है ना बजट लाइन, कितने में बन रहे बेटा 200 रुपए में। मैं बी पॉइंट पे हजार यूनिट बना रहा हूं और बी पॉइंट पे कितना खर्चा आ रहा है 150। मैं सी पॉइंट पे हजार यूनिट बना रहा हूं, सी पॉइंट पे कितना खर्चा आ रहा है 100। मैं डी पॉइंट पे हजार बना रहा हूं, डी पॉइंट पे भी कितना खर्चा आ रहा है मेरे को, डी पॉइंट पे 150 है, 150 वाला लाइन याद है कहीं, ये वाला देखो 150। ई पॉइंट पे कितना खर्चा आ गया 200। तो मुझे बताओ सबसे कम खर्चा, हर जगह हजार यूनिट ही मिल रहे, वैसे तुम बोलोगे सर पचास रुपया है ना, लेकिन बेटा यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन ही नहीं बन रहा उतना, आइसोकॉन्ट मतलब मिनिमम इतना तो मेरे को प्रोडक्शन चाहिए। तो ये लाइन ऐसा नहीं कि खर्चा ही कम कर दो, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा एबीसीडी में से, सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट तुमको कम मिल रहा है और आउटपुट उतना ही मिल रहा है जितना चाहिए। लॉजिकली समझ में आ रहा है बेटा, इसीलिए प्रोडक्शन कहाँ पे करेगी कंपनी, सी पे। इतना सिंपल था, मतलब हर जगह आइसोकॉन्ट पे तुमको हजार यूनिट मिल रहा लेकिन यहाँ पे बजट ज्यादा हो रहा था इस कॉम्बिनेशन पे, और इस कॉम्बिनेशन पे तुम्हारा बजट कम लेकिन प्रोडक्शन सेम, तो इसलिए तुम जाओगे सी पे। क्लियर हुआ दिमाग में? एंड खत्म हो गया तुम्हारा यूनिट वन, ऐसे था यूनिट वन का। अगर तुम समरी करना चाहो तो दो मिनट अगर मेरे को दो, तो आप लोग देखो यूनिट वन में आपने ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे आप चार्ट प्लीज बनाओ, मतलब जब फ्रेश फ्रेश रहेगा चीजें तो याद आएगी। यूनिट वन में तुमने क्या किया सर, यूनिट वन जैसे ही चालू हुआ तुम्हारा, तुमने सबसे पहले ये देखा कि प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ व्हाट, भूल गए हो, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे तुम लोग, है ना तुम। अच्छा, मैन कैन क्रिएट क्या, मैटर क्रिएट कर सकते क्या, नहीं, ये तो नेचर के साथ है ना, हम सिर्फ उसमें क्या ऐड कर सकते, यूटिलिटी है ना, ऑलरेडी ट्री है, लकड़ा है, हम बेंचेस बनाने तो हमने यूटिलिटी क्रिएट की, इसे प्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसे हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था, फिर वो चालू हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन में बताया, फिर एक कैटेगरी ऐसे उन्होंने सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अलग से एक्सप्लेनेशन था लेकिन ये बातें थी, कैपिटल में था कि भाई कौन सा प्रकार का कैपिटल है वगैरह वगैरह। हर एक पे आपने देखा कि कौन सा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड, ठीक है, कौन सा पैसिव फैक्टर है, लैंड, ठीक है, तो ये सारी बातें करके, ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल है, लैंड, ओके। तो ये पढ़ने के बाद तुम लोग आए फिर बी पॉइंट पे, जहां पे उन्होंने दिया है कौन सा फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में उन्होंने कहा कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इनपुट, एक वेरिएबल है आउटपुट, इसमें ही बात करेंगे। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब क्या बेटा, इनपुट, ठीक है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट हमने किया। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि इस चीज को हम, ये पूरा यूनिट वन है, इस चीज को बोले हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं एक दो, इसमें एक होगा शॉर्ट रन और एक रहेगा लॉन्ग रन। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि शॉर्ट रन में एक चीज है कि एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और लॉन्ग रन में सारे के सारे हो जाएंगे वेरिएबल। यहाँ पे जो लॉ आया उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन,
और इसमें मैं ऐसे क्या ड्रॉ करता हूँ जिसमें तीन स्टेजेस होगी मेरी, ठीक है। तीन स्टेजेस में हमेशा जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन सी स्टेज पे काम करेगा, सेकंड। याद रखना, अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो बेटा तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने का जहां पे आप लोगों को परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आएगी करके। और देखो तो ये मेरा जो है ये कव कौन सा है, टोटल प्रोडक्ट। ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। और ये क्या है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट। जिससे आपको समझ जाएगा फेज वन में कौन सा कव बनता भी और गिरता भी है, मार्जिनल। फेज वन में कौन सा कव हमेशा से बढ़ेगा ही, टोटल प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट तक तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेशन से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, इसे पॉइंट ऑफ क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बढ़ रहा है लेकिन वो ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा एवरेज से क्या है, ऊपर। भले मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा है तो भी ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। फिर सेकंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है, मार्जिनल गिर रहा है, कौन ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से, ठीक है। थर्ड फेज में तुम्हारा मार्जिनल क्या हो गया, नेगेटिव, और एवरेज वगैरह गिरा, वो सारी बातें आपने देखी। मतलब ये देखो, दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। और डिमिनिशिंग रिटर्न में तुम्हारा बिजनेस काम करेगा क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस कम है, यहाँ पे ओके, और यहाँ पे तो बहुत घटिया गिरी है, ठीक है। फिर आपने देखा लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में आपने देखा रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में आपने ये याद रखो, वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, वो वन, तो ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। वन प्लस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ए प्लस बी इज लेस देन वन, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट और डिमिनिशिंग, यही है रिटर्न टू स्केल में। रिटर्न टू स्केल में इन्होंने आगे यहाँ पे एक नया पॉइंट लेके आए हो, और नया पॉइंट क्या था बेटा, यहाँ पे आईसो पॉइंट, और आईसो पॉइंट इज इक्वल टू कैसा है, इंडिफरेंस कर्व। ऐसे उन्होंने कहा कि हर कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन क्या होता है, सेम। और फिर दूसरा पॉइंट बोला आईसो कॉस्ट, आईसो कॉस्ट इज इक्वल टू बजट लाइफ, ठीक है। अब बस इतना हो गया तुम्हारा यूनिट वन डन। अब यूनिट टू भी अच्छे से करेंगे, और फिर चौथा चैप्टर एकदम रिलैक्स होने करेंगे। दो चैप्टर, अगेन बोल रहा हूँ, तुम लोगों का बीकॉम एग्जाम, इसलिए मैं 5 तारीख का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि तुमको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 पे देना था करके, ठीक है। लेकिन वो होगा जरूर, मुझे दिखा कि बीकॉम का तुम ऐसे भी नहीं पढ़ रहे, अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं टेस्ट ले लूंगा। और 15 तारीख अकाउंट का टेस्ट याद रखो, आज इन्वेंट्री हुआ है, नया चैप्टर चालू होगा, लेकिन तुम बोलोगे सर मत एक्सरसाइज अभी नहीं करना, याद नहीं आएगा बाद में, एक्सरसाइज अभी कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मुझे दिखाने के लिए करना, तुम्हारा देख सकता, ऑनलाइन वालों के लिए कौन चेक करेगा। तो इसीलिए खुद से सिंसेरिटी से वो नोटबुक बनाओ, बैठो, कर लो, ताकि अभी जो मतलब फ्रेश है तो तुरंत क्लिक होगा। अच्छा है, कुछ बच्चे ने जैसे अभी मेरे को धनराज ने कहा, मतलब गौरव बोला कि उन्होंने एक्स्ट्रा नोट्स में का सम किया जो मैंने अभी आपको भेजा है, ठीक है। और नोट्स में का सम सिमिलर उस लाइन पे, मतलब बच्चे एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ठीक है, उनका फायदा है। और देखो भाई, यहाँ पे एक लिमिटेशन, हम 100 सम क्या करने को, 150 भी करेंगे, लेकिन उसमें कोई वर्थ नहीं। अगर आपको कंसेप्ट समझा, प्रोसीड करो आगे भी, फटाफट जाओ खत्म करो। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पे डाउट है हम करेंगे, लेकिन इन्वेंट्री खत्म। अब हम शायद आगे जाके अकाउंट करंट शुरू करेंगे कल, या एवरेज ड्यू डेट और कंसाइनमेंट। नहीं, पहले ये करेंगे, मैं देखता हूँ, अगर ये छोटे छोटे, क्योंकि ना 2-2 दिन में हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि एक यूनिट हो गया। अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट बहुत छोटे से चैप्टर, और अगर है तो दिक्कत नहीं, कंसाइनमेंट अच्छा है। एक बार ये हुआ फिर तुम्हारा एक ही चीज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो बताया नहीं है मैंने, मतलब आपके सेकेंड इसका ही है वो, लेकिन वो करना है पहले 11th के लेक्चर देख के, उसके बिना वो समझेगा नहीं। तो तुमको देखने, जिस वक्त तुम्हारे देखे हो जाए कि मेरे को बताओ, फिर मैं फाउंडेशन का बराबर लेके आऊंगा, फिर तुम खत्म कर दोगे। डायरेक्ट फाउंडेशन मेरा पढ़ा के हो जाएगा, फिर भी तुम जैसे 11वीं में छोड़ा था वैसे ही छोड़ दोगे, तो वैसे मत करो। इजी है, बहुत इजी है, उसमें राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री है ना, रेक्टिफाइड एंट्री, ऐसे आपको करना होता है, एक प्रोसेस है, वो फॉलो करोगे तो सब सही आएगा। नहीं आए, 11th हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताऊंगा। चाहिए तो 11th के MCQs, 11th के जर्नल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसके लगता है तो मैं 1-2 प्रॉब्लम 11th के सॉल्व करा हुआ, फिर रेक्टिफिकेशन पे आ, ठीक है। रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल है, अवगढ़ने मॉड्यूल 1 मेरे हिसाब से 25-30 या इस मंथ एंड तक मॉड्यूल 1 अपना पूरा डन होगा, जो भी रहेगा फिर मॉड्यूल 2 में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद भी 1 महीना एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन 15 का ये टेस्ट और 15 नवंबर का दूसरा टेस्ट, दिवाली आएगी उससे आपको लेना देना नहीं है, वापस बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा कि थोड़ा सिंसियर हो जाओ, बाकी तो कर ही रहे हो आप मेहनत। थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते हैं।